नमस्कार, आज हम देखेंगे अस्पताल में COVID-19 एरिया की सफाई करने का तरीका। इसमें सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने का तरीका, उसके पश्चात फर्श पर फिनाइल का पोछा लगाने का तरीका, उसी फर्श पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोछा लगाने का तरीका, बार बार छुए जाने वाली सतह को साफ करने का तरीका, अंत में इस्तेमाल की गई बाल्टियों को साफ करने का तरीका। ये साफ सफाई हर 4 घंटे में एक बार करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे पहनने हैं। PPE पहनने से पहले पर्याप्त पानी पी लें, वॉशरूम जाकर आएं और मोबाइल, घड़ी, सारे गहने व धागे इत्यादि उतार दें। इस प्रक्रिया में हैंड रब करना अनिवार्य है। पामफुल हैंड रब लेंगे और हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। इसके पश्चात एक हथेली को दूसरे हाथ के ऊपर रखेंगे और उंगलियों के बीच से 5 बार रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को मिलाकर उंगलियों के बीच में आपस में रगड़ेंगे। नक्कल्स को पाम के साथ आपस में 5 बार रगड़ेंगे। एक हाथ के अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठे को 5 बार रगड़ेंगे। हथेली पर घड़ी की सीधी दिशा में व उल्टी दिशा में 5 बार उंगलियों को रगड़ेंगे। इस प्रकार हमारी हैंड हाइजीन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिर हम शू कवर पहनेंगे। शू कवर पहनने के बाद फिर से हैंड रब करना जरूरी है। ध्यान रहे, इस वीडियो में जब जब आपको हैंड रब करने को कहा गया है, तब तब हैंड रब सही तरीके से करना है। सारे स्टेप को दोनों हाथों पर 5-5 बार करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गाउन को दोनों हाथों से अंदर से डालते हुए ऊपर उठाएं और बिना छुए पहने। पहनते हुए हाथों की सहायता से उसको सेट करने के बाद पीछे से बांधें और आगे दी गई डोरी को पीछे घुमाकर आगे लाकर बांधें। फेशियल मास्क या N95 मास्क को पहनने के लिए पहले ऊपर की लेस को कान के ऊपर से ले जाकर सर के पीछे बांधें। इसको बांधने के बाद नीचे वाली टाई को पकड़कर कान के नीचे से लाकर गर्दन के पीछे बांधेंगे और नाक पर मुड़ने वाली तार को मोड़कर मास्क को अच्छे से फिक्स करेंगे। फिर हेड कवर को पहनेंगे। हेड कवर को पहनते समय ध्यान दें कि सारे बाल आपके हेड कवर के अंदर हों और उसकी दोनों टाइयों को पीछे ले जाकर गर्दन के पीछे बांधेंगे। हेड कवर पहनने के बाद एग्जामिनेशन ग्लव्स को पहनेंगे। दोनों ग्लव्स को पहनने के बाद हैवी ड्यूटी ग्लव्स को पहनें। हैवी ड्यूटी ग्लव्स को पहनते समय ग्लव्स को अंदर की सतह से पकड़कर पहनें और ग्लव्स पहनते हुए ध्यान रहे कि जब आप ग्लव्स पहन रहे हों तो उसे गाउन की बाजू के ऊपर तक अच्छे से फिक्स करें। और इस तरह हम PPE पहनकर तैयार हैं। अब हम देखेंगे फर्श पर फिनाइल का पोछा कैसे लगाना है। सबसे पहले हम सारी ज़रूरतों की चीज़ों को एक जगह पर एकत्रित करेंगे, जैसे कि 3 बाल्टी वाली मॉपिंग ट्रॉली, 2 अतिरिक्त ढक्कन वाली बाल्टियाँ, सर्फ, फिनाइल, हाइपोक्लोराइड जो कि 5% अवेलेबल है, पोछा और 1 अतिरिक्त पोछा। ये सारा सामान एक जगह पर एकत्रित करने के बाद घोल को तैयार करेंगे। घोल को तैयार करने के लिए बकेट नंबर 1 में 10 लीटर पानी और 50 ग्राम सर्फ यानी कि 5 ढक्कन लेंगे। बकेट नंबर 2 में सादा पानी 10 लीटर लेंगे। बकेट नंबर 3 में 10 लीटर पानी और 100 ml फिनाइल लेंगे। इस घोल को तैयार करने के बाद 2 अतिरिक्त बाल्टियों में 9 लीटर पानी और 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड को डालकर 0.5% का घोल तैयार करेंगे। 4 नंबर की बाल्टी का घोल पोछा लगने के बाद 3 बाल्टी वाली मॉपिंग ट्रॉली को साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पोछा लगने के बाद 5 नंबर वाली बाल्टी में पोछे को आधे घंटे के लिए डुबाकर रखेंगे। फर्श पे फिनाइल का पोछा लगाने से पहले ड्राई मॉप से पूरे फर्श को साफ करें। यह प्रक्रिया पीछे जाते हुए 8 के आकार में करें। सूखा पोछा लगाने के बाद में पहले पोछे को सर्फ के घोल में अच्छे से धोएं और फिर निचोड़ें। इसके बाद पोछे को सादे पानी में धोएंगे और फिर निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद फिनाइल के पानी में
अच्छे से धोएंगे और फिर निचोड़ेंगे। वाइपर की सहायता से पीछे को जाते हुए आर्ट के आकार में पोछा लगाएंगे। पोछा लगाते समय साइनेज बोर्ड जरूर लगाएं। पोछा लगने के बाद कम से कम एक मिनट तक सूखने दें। इसके बाद इस फर्श पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोछा लगाएंगे। इसका घोल तैयार करने के लिए पहले इस्तेमाल किए गए तीनों बकेट के घोल को ईटीपी की लाइन में डालेंगे और फिर से घोल को तैयार करेंगे। सबसे पहले बकेट में 10 लीटर पानी और 50 ग्राम सर्फ लेंगे, जो कि 5 ढक्कन के बराबर है। दूसरी बकेट में 10 लीटर सादा पानी लेंगे। तीसरी बकेट में 9 लीटर पानी और 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे और 0.5% का घोल तैयार करेंगे। अब पोछे को सर्फ के पानी में धोकर अच्छे से निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद पोछे को सादे पानी में धोएंगे और निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद तैयार किए गए सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में पोछे को धोएंगे और फिर निचोड़ेंगे। वाइपर की सहायता से पीछे को जाते हुए आर्ट के आकार में पोछा लगाएंगे। पोछा लगाने से पहले साइनेज बोर्ड को लगाएंगे। पोछा लगने के बाद कम से कम एक मिनट तक सूखने देंगे। अंत में तीनों बाल्टियों के घोल को ईटीपी लाइन में डाल देंगे और 4 नंबर की बाल्टी में तैयार किए गए घोल को लेंगे और उन तीनों बाल्टियों को धोएंगे। तीनों बाल्टियों को धोने के बाद घोल को ईटीपी की लाइन में डाल देंगे। इसके बाद 4 नंबर के सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में पोछे को अच्छे से धोकर बकेट को अंदर और बाहर से साफ करें और पोछे को 5 नंबर की बाल्टी में आधे घंटे के लिए डुबाकर छोड़ दें। अब हम देखेंगे हाथ से छुए जाने वाली सतह की सफाई कैसे करेंगे। इसमें दो तरह की सतह होती हैं, धातु व अधातु। धातु की चीजें जैसे कि दरवाजे का हैंडल और डोर नॉब, इसको हम 70% अल्कोहल से साफ करेंगे, यानी कि हैंड रब। अधातु की चीजें जैसे कि कुर्सी, मेज, इनको हम 0.5% के सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ करेंगे। सतह को साफ करते समय पोछे को बार बार धोते रहें। बायोमेडिकल डस्टबिन व पॉलीबैग की सफाई। डस्टबिन की सफाई करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन में पोछे को धोएंगे और पोछे को डस्टबिन के ढक्कन से नीचे की ओर साफ करेंगे। पॉलीबैग को कलेक्शन टीम को देने से पहले 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ करेंगे। अंदर की पॉलीबैग को निकाल के उसकी सतह को साफ करके फिर से अंदर डाल देंगे। फिर पोछे को 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोकर बाहरी पॉलीबैग को निकाल कर उसकी बाहरी सतह को साफ करने के बाद कलेक्शन टीम को दे दें। एरिया छोड़ने से पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को सुनिश्चित की गई जगह पर उतारें।